Hello everyone, welcome back to Let's Learn. So today's video is about palladium catalyzed reactions. इन reactions को हम carbon-carbon coupling reactions भी बोलते हैं. ये catalytic process के through होते हैं जिसमें चार step होते हैं. First is oxidative addition, then transmetallation, then rearrangement and last step is reductive elimination. तो ये reactions होते क्या हैं, इनमें क्या substrate होते हैं, क्या products बनते हैं, वो हम discuss करते हैं. इन रिएक्शंस में सबस्ट्रेट होता है ऑर्गेनिक हैलाइड, कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड जिसमें R क्या हो, sp2 कार्बन हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस पर प्रेजेंट हो जिससे ये एक्स ग्रुप प्रेजेंट हो. अब sp2 का क्या मतलब है, वो कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड. फॉर एग्जांपल ये है फिनाइल रिंग, क्या है, आर ग्रुप है, इसमें जिस कार्बन से ये हेलोजन एटम अटैच है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. एक्स क्या क्या हो सकता है इसमें, एक्स हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हो गए हैलाइड्स. और इसमें कई बार ट्राइफ्लोरो सल्फोनेट, कई बार ये सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकता है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नाम है ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट. सेकंड, जिसके साथ इसका रिएक्शन होगा ऑर्गेनिक हैलाइड का, वो है ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड. कोई भी ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट हो और कोई मेटल एटम प्रेजेंट हो, ये रिएक्शन होता है. पैलेडियम जो कैटलिस्ट है उनके प्रेजेंस में, जिसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जीरो. अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये MX बॉन्ड बन के ये मॉलिक्यूल इस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा R और R डैश के बीच में बॉन्डिंग. ये हमारा होता है कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन. ये रिएक्शंस जो होते हैं एक कैटलिटिक प्रोसेस के थ्रू होते हैं और कैटलिटिक प्रोसेस में इसमें चार स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन, जिसमें ये जो ऑर्गेनिक हैलाइड है उसकी एडिशन होती है पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के साथ. पैलेडियम के साथ यहां पर कोई भी सिग्मा डोनर, स्ट्रांग सिग्मा डोनर लिगेंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज ना करें, जीरो ही रखें. मतलब ऐसे लिगेंड्स इसके साथ अटैच होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे फॉस्फीन लिगेंड अगर प्रेजेंट हो. सेकेंड स्टेप ट्रांसमेटलेशन, ये मैं अभी आपको पूरी प्रोसेस लिख के दिखाऊंगी कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है. अभी सिर्फ बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें. फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड स्टेप होता है ट्रांसमेटलेशन, थर्ड स्टेप होता है रीअरेंजमेंट, क्योंकि ट्रांसमेटलेशन में हमारे पास बनती है ट्रांसफॉर्म और हमें लास्ट स्टेप जो एलिमिनेशन स्टेप है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें मॉलिक्यूल को सिस बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें उसमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है. तो लास्ट स्टेप है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये होता है लास्ट स्टेप. तो ये मेन फोर स्टेप्स हैं. इनमें हर रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक हैलाइड, और साथ में एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा. लिगेंड्स कॉमन ही होंगे सबके अंदर. जो ये ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में ये चेंज होगा, लेकिन जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, वो यही रहेगी सेम हर रिएक्शन में, चाहे वो कोई भी पैलेडियम कैटलाइज्ड रिएक्शन हो. अब फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने लिया ये, सपोज ये हमारे पास पैलेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो. फर्स्ट स्टेप में होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन. वो ऑक्सीडेटिव एडिशन किसकी होगी, इसके अंदर हम डालेंगे अल्काइल हैलाइड. ये RX मैंने यहां पे लिख दिया, अल्काइल हैलाइड. इसमें क्या बनेगा, ये लिगेंड्स वहीं पर प्रेजेंट जहां पर प्रेजेंट है,
एक तरफ हम लगा देंगे आर ग्रुप और एक तरफ हम लगा देंगे एक्स ग्रुप। सेकेंड स्टेप है ट्रांसमेटलेशन, जिसमें हम एडिशन करेंगे किसकी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, और रिमूवल करेंगे हम एम एक्स का, जो ये मैंने ऊपर रिएक्शन में भी लिखा था कि एम एक्स का यहां पर रिमूवल हो जाएगा। मेटल का हेलोजन के साथ बॉन्ड बन के ये बन जाएगा मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड हम यहां पर रिमूव करेंगे और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो अटैच हो जाएगा इस हेलोजन की जगह पे, इस ग्रुप की जगह पर, जो भी सब्सटेंस यहां पर, जो भी ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल पी डी एल आर एंड आर डैश, ये बन गया हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट। इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म बनी हुई है और हमें इन दोनों को रिमूव करना है, इनके बीच में बॉन्ड बनाना है, तो ये ट्रांसफॉर्म में तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन इनकी पॉसिबल नहीं है, तो हमें इन्हें रीअरेंज करना पड़ेगा, इंटरनल रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास बन जाएगी सिस फॉर्म। तो ये बन जाएगा यहां पर आर डैश पैलेडियम एल एल आर, ये बन गया हमारे पास सिस फॉर्म। ये थी ट्रांस और ये बन गई सिस फॉर्म। लास्ट स्टेप जो है वो है रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिसमें ये दोनों आर आर जो है ये रिमूव हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा आर आर डैश, जो कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। इसका नाम है इस प्रोसेस का रिडक्टिव एलिमिनेशन। और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलने के बाद, जो हमने ये रिएजेंट डाला था इसमें, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स जो डाला था, वो हमारे पास एज इट इज जनरेट हो जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस, फोर स्टेप्स की प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड स्टेप है ट्रांसमेटलेशन जिसमें हैलाइड की जगह मेटल लग जाता है ट्रांस पोजिशन पर आकर, थर्ड स्टेप है रीअरेंजमेंट जिसमें ट्रांसफॉर्म को हम सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फोर्थ स्टेप जो है वो है रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिसमें ये जो दो ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं उनमें आपस में बॉन्ड बन जाएगा। अब इन स्टेप्स को फेवर, इनका अगर रेट इंक्रीज करना हो तो वो कैसे इंक्रीज होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो एल्काइल हैलाइड है वो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बहुत ज्यादा, जो ये आर ग्रुप है वो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो पैलेडियम प्रेजेंट है, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है उसके साथ जो हो, पैलेडियम के जो साथ जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो हो अगर स्ट्रांग सिग्मा डोनर्स, अगर ये स्ट्रांग सिग्मा डोनर्स हैं, अगर ये अपनी सिग्मा डेंसिटी को देकर स्ट्रांगली बॉन्ड बना रहे हैं इस एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये इसका रिएक्शन रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। और ट्रांसमेटलेशन स्टेप है सेकेंड स्टेप, इसे कौन इंक्रीज करता है, इसे इसका रेट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने यूज किया यहां पर, अगर ये आर डैश है इलेक्ट्रॉन रिच, ये जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उतना ही ज्यादा रेट होगा इस रिएक्शन का, और बाकी स्टेप्स तो सिंपल ही हैं। और यहां पर इस स्टेप को, इस स्टेप का रेट इंक्रीज करने के लिए क्या जो है कंडीशन है, कि अगर ये लिगेंड जो प्रेजेंट है वो बल्की है, तो ये बल्की लिगेंड क्या करेंगे, इन दोनों के रिमूवल को फेवर करेंगे और ये इन दोनों के बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि यहां से रिपेल होंगे एक दूसरे से, तो ये इनके बीच में स्ट्रांग, ये एक दूसरे की स्ट्रांग एफिनिटी में आ जाएंगे, तो ये इजिली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था पैलेडियम कैटेलाइज्ड रिएक्शन क्या होते हैं और इनका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, ये इनका जनरल मैकेनिज्म था और इनके अंदर चार स्टेप्स होते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ये पैलेडियम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हम कितनी तरह के पढ़ते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में होते हैं ये रिएक्शंस जो है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एक पार्ट होता है एमएससी केमिस्ट्री में, तो वहां पर हम इन्हें स्टडी करते हैं और ये नेट और गेट के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि कितने टाइप्स के हमें पैलेडियम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस पता होने चाहिए और कितने होते हैं ये रिएक्शंस। सो
This was all about this reaction in brief. I hope you like the video. Thank you and have a nice day.